यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ 273 सीटें हासिल की। इस प्रचंड जीत से खुश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे। सबसे पहले तो शाम 6:49 पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, ये प्रचंड बहुमत प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी नीतियों पर आमजन के अटूट विश्वास की मोहर है। इसी के ठीक 12 मिनट बाद दूसरा ट्वीट किया, यूपी की जीत गृहमंत्री अमित शाह के ऊर्जावान मार्गदर्शन कुशल रणनीति का प्रतिफल है। तीसरे ट्वीट में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद देने के लिए ट्वीट किया गया और फिर पांचवें ट्वीट में सीएम योगी ने जीत का श्रेय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को दिया। फिर छठे ट्वीट में पार्टी कार्यालय पर मनाए जा रहे जश्न का वीडियो पोस्ट किया, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी और फिर बीजेपी के इस जीत में 5 और नाम सीएम योगी ने जोड़े। जिनकी चर्चा नहीं होती वो चुपचाप अपना काम करते हैं, पर्दे के पीछे रहकर इन्होंने बीजेपी को यूपी चुनाव में जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई है। पहला नाम सुनील बंसल। सुनील बंसल जिन्होंने जातीय सर्वे करवाया, उम्मीदवारों को फोन पर बताते रहे कहां पिछड़ रहे हो। सुनील बंसल यूपी के नहीं है, फिर भी यूपी में बीजेपी की जीत में इनकी अहम भूमिका रही। वो राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। 2013 से यूपी में प्रदेश महामंत्री संगठन के पद पर कायम है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी प्रदेशों में बीजेपी ने जीत हासिल की है वहां बैकरूम रणनीति में सुनील बंसल जरूर नजर आए। बूथ लेवल पर सुनील बंसल के किए काम की वजह से ही बीजेपी का जनाधार बढ़ा। जब बूथ मैनेजमेंट की कल्पना की गई तब इसका जिम्मा सुनील बंसल के ही कंधों पर था। सुनील बंसल ने बनाई 100 दिन 100 काम की योजना। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा से पहले सुनील बंसल ने सर्वे करवाया, जातीय समीकरण देखा, विधानसभाओं के पदाधिकारियों से बातचीत की, उसके बाद कहीं जाकर तय हुआ कि आखिर कौन सी विधानसभा सीट से किसे प्रत्याशी चुना जा रहा है। कई बार उन्होंने पार्टी के विधायकों को फोन करवाकर कहा था, तुम्हारा कैंपेन पिछड़ रहा है, उसे और ताकत चाहिए। चुनाव से पहले 100 दिन 100 काम योजना बंसल के ही दिमाग की उपज बताई जाती है। सुनील बंसल ने जमीनी स्तर पर बहुत मेहनत की, बूथ लेवल पर दलित ओबीसी और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का काम उन्होंने ही किया। नियमित समय पर उनकी मीटिंग करवाई, इन सब को मैनेज करने के लिए विस्तारक नियुक्त किए गए। नतीजा ये रहा कि जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान देरी से हुआ या फिर किसी दूसरे विधानसभा में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया वहां पर भी पार्टी ने जीत हासिल की। इस सब का श्रेय सुनील बंसल को ही जाता है। संजीव बालियान। कृषि कानूनों को लेकर सरकार से नाराज जाटों को समझाने का जिम्मा, जो कि एक बहुत बड़ा काम था, संजीव बालियान को दिया गया। चुनाव से ठीक पहले किसान आंदोलन एक बहुत बड़ी चुनौती था। हाथरस में आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी को लाठी मारी गई, इससे जाटों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। उन्हें मनाने का जिम्मा मुजफ्फरनगर के रहने वाले संजीव बालियान को दिया गया। संजीव ने पश्चिमी यूपी की 136 सीटों के गुणागणित को अपने हिसाब से सेट किया। चुनाव से ठीक पहले 25 जनवरी को प्रमुख 50 जाट नेताओं के साथ गृहमंत्री अमित शाह की बैठक करवाई, जिससे हुआ ये कि बीजेपी को जाट नेताओं को अपने फेवर में करने का मौका मिल गया। 10 मार्च को जब नतीजे आए तो वो हैरान करने वाले थे, क्योंकि पहले चरण में 58 सीटों में से 46 सीटें बीजेपी ने जीती, दूसरे चरण की भी 55 सीटों में से 30 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। बल्कि कहा यह जा रहा था कि ये दोनों ही चरण सपा के फेवर में जा रहे हैं। तीसरा नाम लक्ष्मीकांत वाजपेयी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी किसी भी रैली में नहीं दिखाई देते, लेकिन हाँ बीजेपी की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जरूर नजर आते हैं। इस पूरे चुनाव के दौरान मेरठ के निवासी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की भूमिका सबसे अलग रही। वाजपेयी को ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, दूसरे दल के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने की जिम्मेदारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ही दी गई। खास बात यह है कि वाजपेयी ने जितने भी नेताओं को दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी में शामिल करवाया उन्हें इसी शर्त पे शामिल करवाया गया कि टिकट का कोई भरोसा नहीं है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी कभी किसी रैली में नहीं गए, लेकिन क्योंकि उनकी अहमियत इतनी ज्यादा है तो हर पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जरूर मौजूद रहते हैं। संगठन की मजबूती के लिए जिलों का दौरा किया, प्रभावी चेहरों को पार्टी में शामिल किया। नतीजा ये रहा कि पार्टी को दोबारा बहुत बड़ी जीत यूपी में हासिल हुई। धर्मेंद्र प्रधान ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सीएम योगी को केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचाया। ओडिशा के धर्मेंद्र प्रधान को एक साल पहले ही यूपी का प्रभारी नियुक्त किया गया था। प्रभारी बने तो पार्टी के
अंदर अंदरूनी कलह की भी भनक थी। 2017 में योगी को सीएम बनाया गया, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया। 22 जून 2021 को वो पहली बार हुआ जब सीएम योगी केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे, जबकि सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बीच में सिर्फ एक ही आवास का अंतर है। इस मुलाकात के जरिए सब कुछ बेहतर का संदेश पार्टी की तरफ से गया। धर्मेंद्र प्रधान यूपी के हर हिस्से में गए, माइक्रो मैनेजमेंट पर काम बांटने की रणनीति उन्होंने ही बनाई। काशी, गोरक्ष, अवध, कानपुर, बुंदेलखंड, ब्रज और पश्चिम क्षेत्र में प्रभारी तय किए। मैजिक पांच की शुरुआत की, यानी चुनाव रणनीति से लेकर चुनाव प्रबंधन तक जो भी जिम्मेदारी होगी एक क्षेत्र में 5 लोगों को नियुक्त किया जाएगा। इस काम में धर्मेंद्र प्रधान के साथ बिहार के राधा मोहन सिंह भी लगे रहे। पांचवा नाम अंकित सिंह चंदेल, लोगों के व्हाट्सएप पर पहुंचाया बीजेपी का वीडियो। अंकित सिंह चंदेल अयोध्या जिले के यूपी बीजेपी के सोशल मीडिया हेड हैं। कोरोना के बीच में पार्टी के लिए प्रचार करना मुश्किल था, तब सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी ने व्हाट्सएप के जरिए अपनी उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया। बीजेपी आईटी सेल की केंद्रीय टीम को गुरुग्राम से लखनऊ शिफ्ट किया गया। किसानों से जुड़े पोस्ट की संख्या बढ़ा दी गई। ग्राफिक्स और वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया। बीजेपी आईटी सेल ने लोगों में पार्टी का प्रचार बढ़ाने के लिए फर्क साफ है के नाम से हैशटैग चलाया था, जिसमें सरकारों से बीजेपी की तुलना की गई थी। ये हैशटैग बहुत पॉपुलर हुआ था। इसके पीछे अंकित सिंह चंदेल का ही नाम बताया जाता है। तो ये कुछ ऐसे नाम थे जो रहे पर्दे के पीछे, लेकिन पार्टी को विजय दिलाने में इन पांचों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पार्टी की जीत इन पांच नाम के बिना मुमकिन नहीं थी। अगर ये पांच नाम ना होते तो पार्टी को जीत मिलने में परेशानी होती। ऐसे में आप इन पांचों नामों को जानकर, पार्टी के लिए किए गए इनके कामों को जानकर, इनसे कितने प्रभावित हुए, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्राप्त हुआ है। एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद है, और इस आशीर्वाद को हम सबको स्वीकार करते हुए आम जनमानस की आकांक्षाओं के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मंत्र को अंगीकार करते हुए